फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आज का ब्लॉग मेरा बोरीवली वाले ही स्ट्रीट शॉपिंग का ही पार्ट टू है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पार्ट टू बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट वन में सिर्फ नवरात्रि कलेक्शन बताया था। और ये क्यूट सा लड़का देखिए किस तरीके से अपनी शॉप संभाल रहा है। ऐसे बच्चों को देख के ना बहुत दुख भी होता है कि मतलब बता नहीं सकते हैं कि इस तरीके से पढ़ने लिखने की एज में उन लोगों पे जिम्मेदारी आ जाती है और हम हमारे बच्चों को इतना पैम्परिंग करते हैं, इतना सब फैसिलिटी देते हैं और उनकी शिकायतें ही नहीं कम होती है। और देखा जाए तो हमारी भी शिकायतें नहीं कम होती है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को हमेशा हमेशा कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है बहुत ही बेहतर हाल में रखा है। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है और काफ़ी भीड़ नहीं है, हल्की फुल्की सी थी। इतना तो लोकल ट्रेन में मतलब नाक के बराबर है कि हम आराम से चढ़ गए और आराम से उतर गए। तो अब हम जा रहे हैं बोरीवली, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई चुकी थी पर दोबारा मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। हल्की फुल्की सी ये भीड़ दिखा रही हूँ। और अब हम पहुंच गए हैं बोरीवली वेस्ट के स्ट्रीट मार्केट पर। इतनी बड़ी मार्केट लगती है ना कि मैं तो दिखा ही नहीं पाऊंगी एक व्लॉग में, फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ हद तक मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और ये देखिए यहाँ पर ऐसे सब पूजा का सामान मिल रहा है और हमने थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी खरीदे और एकदम फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल मिल रहे थे। और जब यहाँ पे ना फिश मार्केट भी है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसका भी विजिट करा दूं, इसके लिए मैंने फिश मार्केट गई। लेकिन मैं जब वहां पर पहुंची तो देखिए वहां का क्या आलम था। और ये देखिए ये पूरी तरीके से ये फिश मार्केट बंद है। तो मैंने पता नहीं क्यों ये बंद है, मैंने वहां के शॉप वाले से भी पूछा कि आज ये बंद क्यों है। तो उन्होंने बोला कि वैसे तो बंद नहीं होता है, पता नहीं क्यों बंद है, तो हो सकता है दोपहर के वक्त मैं गई थी इस वजह से बंद हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को फिश मार्केट भी दिखा दूंगी बोरीवली का। और ये फ्लावर्स तो आपने देख ही चुके हो, मैंने इसको शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, इतने खूबसूरत फ्लावर है माशाल्लाह। और ये फ्लावर्स के तो क्या कहने, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे फ्लावर मार्केट भी है, वेजिटेबल मार्केट है, साथ ही में फ्लावर मार्केट भी है। और इस तरीके से एनवेलप का बंडल है और डोरमेट है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ की यूज़ की हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। और इतनी तेज़ धूप थी ना, गर्मी से हालत बहुत बेहाल हुआ था। मुंबई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, पता नहीं आप लोगों के शहरों में कैसा मौसम है पर मुंबई में तो हाल बेहाल हुआ है। और ये देखिए हर चीज़ यहाँ पे, लेडीज़ जेंट्स की जीन्स बहुत अच्छे कलेक्शन है, फुटवेयर्स भी हैं, मतलब हर चीज़ रिजनेबल रेट में है। इतना मतलब अच्छा मार्केट है ये, इतना बड़ा मार्केट है। कपड़ों के साथ साथ यहाँ पे बैग हो गया और ज्वेलरी हो गई, मेकअप के प्रोडक्ट्स हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद तो हमको भूख भी बहुत लगती है, तो यहाँ पे खाने का भी बहुत अच्छा स्टॉल्स वगैरह है। फिलहाल तो हमें कुछ नहीं खाना था क्योंकि अभी हम घर से आए थे, तो पहले हमने सोचा मार्केट एक्सप्लोर कर लेते बाद में कुछ खाते। तो ये देखिए किस तरीके से ये ज्वेलरी है, ये मंगलसूत्र कितना अच्छा लग रहा है।
मुझे तो मंगलसूत्र बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखिए, बेडशीट वगैरह, बैंगल्स हो गए, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरीके की लखनवी कुर्ती भी बहुत अच्छी लग रही थी, ये शेडेड, पर ये थोड़ी सी शॉर्ट थी, मुझे थोड़ी लॉन्ग चाहिए थी अरीपा के लिए, इसके लिए मैंने नहीं लिया। तो लेकिन बहुत अच्छे कलेक्शन थे यहाँ पर। सारी मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारा दिल कर रहा था पानीपुरी खाने का। और मतलब हमें भूख तो लगी नहीं थी, लेकिन पानीपुरी देख के तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। तो हम पानीपुरी के स्टॉल पर आ गए पानीपुरी खाने के लिए। और ये रहा, हम अब जा रहे हैं पानीपुरी खाने, और मेरा फेवरेट सूखी पूरी खाने के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि सिर्फ पानीपुरी से तो कुछ हो नहीं सकता था, तो हमने इसके बाद शरबत भी पिया। यहाँ पे काफ़ी कुछ खाने के लिए भी मिलता है, डोसा हो गया, पापड़ हो गया, सैंडविच है, फ्रेंकी है, लेकिन मुझे तो कुछ खाना नहीं था, इसके लिए हमने कोई चीज़ नहीं खाई। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।